जिला अस्पताल में देर रात बालिका की मौत हो जाने पर परिजनों ने हंगामा कर दिया और डॉक्टर की लापरवाही से मौत होने का आरोप लगाया। जिला अस्पताल की वार्ड में परिजनों द्वारा हंगामा करने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी कर हंगामा शांत कराया और बालिका के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने कहा कि बालिका की तबीयत खराब होने पर उसे 4 दिन पहले जिला अस्पताल के फीमेल वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा था, तभी अचानक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर सही ढंग से देखभाल नहीं करने का आरोप लगाया। बालिका के परिजन रणवीर सिंह ने बताया कि सिमरन कौर ट्रांसपोर्ट नगर की रहने वाली थी, जिसकी तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इसकी इलाज के दौरान देर रात मौत हो गई। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही और नर्सिंग स्टाफ के लापरवाही के चलते बालिका की मौत हुई है। 4 दिन से बालिका भर्ती थी, लेकिन इन्होंने सही ढंग से देखभाल नहीं की। क्या हुआ था? बच्ची बीमार हुई, उनको प्यारवाई 3 लीटर रिपोर्टिंग को अब लास्ट में खत्म हो गई, लिख के दे दिया। कितने दिनों से भर्ती थी यहाँ? चौथा दिन है आज। चौथा दिन है? डॉक्टर रिपोर्ट आ रही है। कहाँ के रहने आप? कहाँ के रहने वाले? नागपुर नगर। क्या नाम है बच्ची का? सिमरन कौर। सिमरन कौर, कितनी उम्र थी? 18 साल। अच्छा, क्या बीमारी थी? बुखार था इसको। बंद तो क्या डॉक्टर ने देखा है? क्या देख रहे हैं डॉक्टर? देखा नहीं। अभी कोई फीमेल मेडिकल वार्ड में कोई महिला की मृत्यु हो गई थी, इसमें सूचना मिली कि भाई उस पर जो हंगामा कर रहे हैं, समझाइश की गई, परिजन अपने जो शव को प्राप्त करके अपने घर ले गए। कोई डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उन्होंने इतना देखभाल नहीं की, तो कुछ पता नहीं है क्या है। तो परिजन कुछ कह रहे हैं आगे कोई कार्रवाई करने की? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक।